आपकी बात को मैं एग्री करूंगा, क्योंकि मुझे खुद को ये लगता है एज ए पत्रकार कि मार्केटिंग प्रॉपर नहीं होती है, चाहे हीरो हो या खाली हीरो की बात नहीं कर रहा, और भी आर्टिस्ट होते हैं उनको भी प्रमोशन में हिस्सा लेना चाहिए, लेना चाहिए। 6-7 दिन बचे, क्या तैयारी है सर आपकी? हम देखिए, मुझसे जो हो प्रोड्यूसर साहब से जो हम लोग तो कर ही रहे हैं, और खेसारी जी से हमारी बात हुई, खेसारी जी अभी पहुँचने वाले हैं, तो उन्होंने कहा है जो मैं इस फिल्म के लिए प्रमोशन में के लिए जब भी आप मांगिएगा वक्त दूंगा तो आएंगे। तो आगे का जो आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है हमारी, और वो लाइव भी आए थे, अपने सब जगह सोशल मीडिया पर डाल ही रहे हैं, तब देखते हैं आगे का क्या है। लेकिन हम लोग प्रमोशन इसका जोर तौर पर, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रदीप जी बैठे हुए, इन्होंने मेरा मतलब जो सपोर्ट किया है सिटी कार्ड वगैरह, जो 40 होर्डिंग बिहार में लग रहा है, पहली बार हो रही है पटना में, हम लोग का बजट जीरो है, इन्होंने पहली बार भोजपुरी में मतलब सपोर्ट किया है, जो होर्डिंग्स लग रहे हैं, कल हमारे दैनिक जागरण में फुल फ्रंट पेज पे फुल पेज ऐड आ रहा, पूरा ऐड आ रहा है फिल्म का, तो भोजपुरी में इतनी बड़ी ऐड नहीं है, तो मैं इनको भी साधुवाद दे रहा हूँ। जो तो आप सर भोजपुरी में मतलब आपको क्या लगा, जो आप भोजपुरी को इतना मतलब हमारी इतनी नहीं होती थी, तो आपको क्या लगा भोजपुरी? एसोसिएशन भोजपुरी सिनेमा के साथ आपका पुराना है या फिर फरिश्ता ही वो फिल्म है? फरिश्ता के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली, हमारे हमारी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो हमारे क्लाइंटेल बिहार यूपी के ही ज़्यादा है, मॉल वाले हैं, तो उन्हीं के साथ टाई अप करके हमने जैसे फिल्म को भी प्रमोशन मिले, साथ में उनका ब्रांड भी प्रमोट हो, इस हिसाब से हमने ब्रांडिंग पार्टनर के हिसाब से एसोसिएशन किया है। सर ने हमारा जब ट्रेलर देखा तो ट्रेलर देख के मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया जो मुझे इस फिल्म में करनी है, तो साधुवाद है आपका सर इसमें। वेरी गुड डायरेक्टर साहब, मुझे एक और सवाल है, जी जी शायद अंतिम भी हो सकता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सिर्फ केसरी लाल की तो जिम्मेदारी नहीं है प्रचार प्रसार करने की, और एक्टर आए हैं या आने वाले हैं उस बारे में जब बताइए। अभी आने वाले हैं खेसारी जी, आने वाले हैं, जो यहाँ पे श्रद्धा नवल जी आएंगी, पूजा गांगुली भी आ रही हैं जो हीरोइन फिल्म की, अमित शुक्ला भी ऑन द वे हैं, तो जो जो आर्टिस्ट अवेलेबल है सभी आ रहे हैं। अभी हमारे राइटर जो अरविंद तिवारी जी हैं, प्लस कृष्णा म्यूजिक डायरेक्टर कृष्णा, जो हैं अवेलेबल है सभी आ रहे हैं, और कोई जो बाहर शूट पर है तो संभव नहीं है शूट छोड़ कर आना। अभी पूजा जी शूट ही कर रही हैं, तो भैया जी से बात हुई तो बोले सर भिखारी नहीं है वो, पागल का करेक्टर है, जो प्रोड्यूसर बजट नहीं था, नहीं बजट से नहीं, कहानी वैसी थी, प्रोड्यूसर नहीं, हमारे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, कम बोलते हैं, तो सर ने बहुत सपोर्ट किया है, तो इसके लिए वो नहीं है, और किरदार वैसा है, एक अलग लोगों को पसंद आ रहा है, और खेसारी जी ने रियली उस करेक्टर को जो मतलब निभाया है उस चीज़ को, मतलब मैं जानता हूँ तो 45 डिग्री में उस तरह वीक लगा के नहीं नहाना, नाखून मैला, ये वो, तो सभी एक्टर अमित शुक्ला जी सब के, अगर नहीं नाम लो, अमित शुक्ला जी, श्रद्धा नवल जी, हमारे रिंकू भारती, प्रकाश जैस, खुशबू यादव जी, सोनू पांडे, जितने भी हमारे कलाकार थे, जो हमारे टेक्नीशियन थे, हर एक फिल्म डायरेक्टर की नहीं होती है, पूरी टीम की होती है, तो हमारी टीम ने, फरिश्ता की टीम ने मुझे वो साथ दिया, तो एक फरिश्ता फिल्म, एक हम लोगों ने अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की, जो हम पे तोहमत लगती है, जो वल्गर है, ये है वो है, तो मैं अपने ऑडियंस से बोलूँगा प्लीज़ एक बार थिएटर में जाके देखिएगा, अगर अच्छा है तो अच्छा बोलिएगा, खराब हो तो और ज़्यादा बोलिएगा, तो उससे हम लोग कुछ खराब से सीखे जो और बेहतर कर सके फिल्म को, तो यही है। संजय जी, लाल बाबू पंडित जी, आपके लिए फरिश्ता कौन था जीवन में, या कौन है, किसे फरिश्ता मानते हैं लाल बाबू पंडित, कोई फरिश्ता है आपके लिए या नहीं? मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही फरिश्ता थे, अभी दुनिया में नहीं है, फरिश्ता तो माता ही पिता है, जिसके बदौलत मैं यहाँ जमीन धरती पर आया हूँ, इस लोक पर आया हूँ, तो मेरे लिए तो फरिश्ता मेरे माता पिता ही हैं। सर दुबे जी, धर्म जी, एक्साइटमेंट देखिए, खुशी होती है, मतलब हमारी फिल्म मैंने बनाया वो नहीं, हमारी भोजपुरी फिल्म, हमारी भाषा गई है। सर ने जब वहाँ से, मेरे दुबई से कल ही लौटे हैं सर, तो वहाँ से मेरे को स्क्रीनशॉट भेजते हैं सर, सर दुबई का शायद यूट्यूब अलग होता होगा सर, आपने जो भेजा, तो वहाँ भी ट्रेंड कर रहे थे 26 पे, अब आगे उसके बाद पता नहीं, यहाँ भी हमारा मेन में कर रहा, अभी भी मूवी में 2 नंबर में ट्रेंड कर रही है हमारी फरिश्ता, तो अच्छा हमारी फिल्म ने, हमारी भाषा की फिल्म, हमारी भोजपुरी की, हमारी सबकी फिल्म है, सिनेमा हमारी अकेले की थोड़ी है, एक सिनेमा अगर अच्छी चलेगी उसके पीछे 10 सिनेमा और, जो हमारे ऑडियंस जो 4-4 वीक 5-5 वीक जब भोजपुरी लगती थी तो 4 वीक मिनिमम एग्जीबिटर सोचते 4 वीक तो चलना ही है, वो जो विमुख हो गई तो गलती हमारी, हम जो ऑडियंस चाह रही है हम वो दे नहीं पा रहे हैं, कोशिश सब हर मेकर कर रहे हैं, हर कोई अपने लेवल स्तर से ट्राई कर रहा है, तो देखिए मैं तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूँ, मैं मुझे लग रहा है जो फरिश्ता से कुछ आगाज हो, अच्छा हो, मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है, मैं हर वक्त पॉजिटिव सोचता हूँ, पॉजिटिव बोलता हूँ, तो मुझे तो आशा है कि ऑडियंस आएगी। एक सवाल संजय ने यहाँ से पूछा, बड़ा अहम सवाल है, जो निर्माता है फिल्म के, जी दुबई से आप आए सर, कोविड टेस्ट अभी भी हो रहा है?
नहीं 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 बंद कर दिया वो। अच्छा पंडित जी, मेरा सवाल ये है जी, तो पहले भोजपुरी फिल्में बनती थी, भोजपुरी फिल्म कोई टाइटल होते थे जैसे गंगा मैया तुलसी गंगा किनारे मरे, उसकी मौलिकता उसकी मिठास बड़ी रहती थी, लेकिन पिछले कुछ अर्षों से काफी समय से जो भोजपुरी फिल्मों के नाम होते हैं हिंदी सिनेमा के नाम से मिलते जुलते रहे हैं, इसकी क्या वजह है? भोजपुरी में टाइटल नहीं मिल रहे हैं या क्या मानते हैं? देखिए भोजपुरी और हिंदी तो भाई बहन है, तो वो है टाइटल, देखिए भोजपुरी वो है मिठास, एक भोजपुरी भाषा जो हमारी मातृभाषा भोजपुरी हुई ना, मतलब भोजपुरी से तो हमारे लिए तो माँ है, हमारी जान है वो भाषा, तो है ऐसे नहीं है। अगर देखिए कहानी के ऊपर टाइटल का ये किया जाता, कहानी जब आता तो किस पे क्या टाइटल शूट हो, और एक सिनेमा के लिए टाइटल बहुत मायने रखती है, टाइटल बहुत मायने रखती है, तो हर नहीं जैसे फरिश्ता तो उसका हम क्या भोजपुरी में क्या रखें, आप जरा बता दीजिए फरिश्ता को हम भोजपुरी में क्या क्या रखें? हाँ तो कहानी है तो इसलिए फरिश्ता हमने रखा है, नहीं ऐसा नहीं है, फरिश्ता बड़ा बड़ा भोजपुरी में बोलते हैं ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फरिश्ता ही बोलेंगे, भगवान अगर टाइटल तो भगवान ही बोलेंगे, तो भोजपुरी में दूसरा क्या उसका शब्द देकर फरिश्ते की बात नहीं करने, ऐसे कभी खुशी कभी गम बन रहा है, कृष्णा जी इसका सवाल हमसे पूछिए, हेलो हिंदी में नाम इंग्लिश में सब रखा जा रहा है, इस पे आपका क्या क्वेश्चन? हाँ कहाँ ये तो फिर आप चीज समझ नहीं, हिंदी वाले अंग्रेजी में भाग रहे हैं, भोजपुरी वाले हिंदी में भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं? हैं क्योंकि हिंदी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जा रहे हैं लोग। सर बैठिए।